अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आपको प्लॉट दिखा रहा हूँ उसका ये मेन एक्सेस है, चारों तरफ माउंटेंस है, चारों तरफ ग्रीनरी है। मैं जो एक्सेस मिलने वाला है वो ये जो सामने गेट दिख रहा है आपको उसके लेफ्ट साइड से एक्सेस है, और जो हम अभी राइट लेंगे वो टेम्पररी एक्सेस है इसके लिए, प्लॉट के लिए। हम एंट्री कर रहे हैं अभी राइट साइड से। मैं आपको एक बार एंट्री दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको लेफ्ट साइड से भी एंट्री दिखा देता हूँ। हमने एंट्री के लेफ़्ट साइड से एंट्री दिखाने का मकसद ये है कि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि आपकी यही एक्सेस रहने वाली है और ये परमानेंट एक्सेस है अगर इन फ्यूचर आप इसको परचेस करते हो तो। अस्सलाम वालेकुम। ये लैंड की मेन एंट्रेंस, और यहाँ से रोड आने वाला है, यहाँ से रोड क्रिएट होने वाला है, और ये है हमारा प्लॉट एरिया। हम अभी पोइनाट गांव में अलीबाग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर इन फ्यूचर अगर आप इसको परचेज़ करते हो तो ये आपका मेन एंट्री है, ये मेन रोड हो गया आपका, और यहाँ से आपको अपना न्यू गेट क्रिएट करना पड़ेगा। 36 घंटे का इसका प्लॉट एरिया है, और स्क्वायर फीट में 39,200 स्क्वायर फीट होता है ये, और ये एग्रीकल्चरल लैंड है फ़िलहाल। आप इसको NA लैंड भी कर सकते हो। आगे से लेके वहाँ तक है उसकी एंड, और ये है दूसरे का प्लॉट है, और ये रोड है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद वाला जो प्लॉट है वो दूसरे का है, दूसरे ओनर है उनके। यहाँ पे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे मैंगोज़ की ट्री है, चीकू है, और कोकोनट ट्री है, पपाया है, और अदर वेजिटेबल्स भी आप कल्टीवेट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे आप अपना पर्सनल बंगलो भी क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे। काफ़ी बड़ा प्लॉट है ये, रत्नागिरी हाईवे 2.5 किलोमीटर की दूरी पे, 2.5 किलोमीटर्स अवे है रत्नागिरी हाईवे। ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। आप ऐसा बंगलो भी यहाँ पे बना सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो थोड़ी ऊपर हाइट दिख रही है, यहाँ पे आप अपना बंगलो बना सकते हो, और यहाँ पे पीछे प्लॉटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे कैटल फार्मिंग कर सकते हो। आप जो हिसाब से आपको कस्टमाइज करना हो हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ का वेदर एनिमल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और वेजिटेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है। यहाँ पे आप गोट ब्रीदिंग कर सकते हो और चिकन फार्म कर सकते हो। आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे आप अपना बंगलो क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे पपैया की ऑलरेडी फार्मिंग चल रही है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये बंगलो दूसरे ओनर की प्रमाइसिस है। आइए मैं और आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ पे लाइन से मैंगोज के ट्री है, चीकू है, ये देखो ये चीकू का है, ऑलरेडी यहाँ पे चीकू भी नज़र आ रहे हैं। ये भी चीकू है। यहाँ पे मैंगोस, वहाँ से भी एक एक्सेस है ये प्लॉट का, ये लैंड का। काफ़ी बड़ा है, 39,200 स्क्वायर फीट। यहाँ पर भी मैंगोस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो चीकू है, और यहाँ पे भी चीकू, पपाया है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको मैंगो भी नज़र आ रहे हैं। और कोकोनट ट्री भी है यहाँ पर, इधर पे भी है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया रोड है, ये आगे जो बनेगा वो वाला रोड है ये, और यहाँ पे फ्लावर्स भी है।
हमने एंट्री की यहाँ से आगे से। अगर आप इसको परचेस करते हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हमारे प्लॉट की एंडिंग है यहाँ तक, 36 घंटा प्लॉट है ये। और यहाँ पे भी है काफ़ी सारे मैंगोज। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर इंस्पेक्शन एंड फॉर बेस्ट रेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली प्रॉपर्टी अपडेट्स।